एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इतनी सुंदर, इतनी टैलेंटेड, जहां जाती है सबकी जिंदगी में खुशियां बिखेर देती है। हम बात कर रहे हैं सबकी प्यारी कसौटी जिंदगी के की प्रेरणा एके एरिका फर्नांडिस। आज टेली मसाला आपको सुनाने जा रहा है एरिका फर्नांडिस की जिंदगी की कहानी। एरिका का जन्म 7 मई 1993 को मैंगलोर में हुआ। उनकी अपब्रिंगिंग हुई है मुंबई के कुर्ला में। होली क्रॉस हाई स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। प्री डिग्री कोर्स मुंबई के SIES कॉलेज साइंस से किया और इसके बाद वो गई थी मुंबई के ही सेंट एंड्रयू कॉलेज, पर मॉडलिंग की वजह से उनको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। एरिका बचपन से ही एक्टर बनना चाहती थी और वो कहती है कि उन्हें मॉडलिंग का टैलेंट और किसी से नहीं बल्कि अपने डैड से मिला, जो खुद भी काफी सारे पेजेंट जीत चुके हैं। एरिका की फैमिली में उनके पेरेंट्स और एक बड़ा भाई है। एरिका बचपन से ही एक टॉम बॉय पर्सनैलिटी रखती थी। पेड़ों पर चढ़ना और फ्रूट्स तोड़ना, छतों पर कूदना और क्रिकेट खेलना ही, एरिका इन सब चीजों को खूब एंजॉय करती थी। एरिका जब 11 साल की थी तब उनके पिताजी की तबीयत बेहद खराब हो गई थी। उन्हें तीसरा हार्ट अटैक आया था, इस वजह से वो 1.5 महीने कोमा में रहे थे और उसके बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई और इस वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई एरिका के माँ के कंधों पर। अब जब उनकी माँ बाहर काम करने जाती थी तो एरिका को पूरा घर अकेले संभालना पड़ता था, इस वजह से उन्हें किचन का सारा काम भी अच्छे से आ गया। एरिका ने बताया था कि उस समय उनके घर के हालत इतने खराब हो गए थे कि उनके पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, पर उनके रिलेटिव्स ने ऐसी स्थिति में उनको सपोर्ट किया। एरिका ने 16 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। एरिका बताती है कि उन्हें मॉडलिंग में आने के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। वो एक सैलून में हेयर कट करवाने गई थी जहां फरहान अख्तर की एक्स वाइफ अधूना बाबनी ने उन्हें अपनी मॉडल बनने को कहा। बस फिर क्या था, एरिका को मॉडलिंग जगत में एक के बाद एक काम मिलता चला गया। उन्होंने काफी सारे ब्यूटी पेजेंट्स भी जीते, जैसे बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस अवार्ड 2010, पैंटालून्स फेमिना मिस फ्रेश फेस 2011 एंड मिस महाराष्ट्र 2011। इतना ही नहीं, वो मिस इंडिया 2012 में टॉप 10 तक भी गई थी और उन्हें मिस इंडिया 2012 फ्रेश फेस का अवार्ड भी मिला। एरिका ने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा की भी काफी सारी फिल्में की है, जैसे इंतु इंतु इंतु, निन्निन डले, गली पाटम एक्सेट्रा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना डेब्यू किया 2014 की फिल्म बबलू हैप्पी है से। इतनी सारी फिल्में करने के बाद भी एरिका करना चाहती थी एक टीवी सीरियल, जो कि उन्होंने किया 2016 में। सोनी के सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में डॉक्टर सोनाक्षी बोस बनकर एरिका ने सभी को अपनी एक्टिंग से घायल कर दिया। एरिका ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इस सीरियल के मेकर्स सोनाक्षी के किरदार की सर्च काफी समय से कर रहे थे, पर जैसे ही एरिका ने शो का ऑडिशन दिया वो तुरंत ही सिलेक्ट हो गई और शूट भी झट से शुरू हो गया। इस सीरियल में वो दिखी शहीर शेख के ऑपोजिट और इनकी जोड़ी को लोगों का खूब प्यार मिला। और तो और, इनके रियल लाइफ में डेट करने की भी खबरें सामने आने लगी, पर एरिका ने कभी इन खबरों पर रिएक्ट नहीं किया। एरिका को सोशल मीडिया ज्यादा पसंद नहीं है। कुछ ही लोग जानते हैं कि एरिका एक अच्छी एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छी सिंगर भी है। एरिका अपनी निजी जिंदगी में एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, जो अपने करियर से ज्यादा अपनी फैमिली को वैल्यू करती है। एरिका को बचपन में उनकी माँ बूढ़ी गर्ल कहकर बुलाती थी, जिसका मतलब होता है स्वीट हार्ट। आप सबको ये जानकर थोड़ी हंसी आएगी कि एरिका के दोस्त हमेशा से ही लड़के ज्यादा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो लड़कियों की उतनी अच्छी दोस्त नहीं बन सकती जितनी अच्छी वो लड़कों की फ्रेंड बन सकती है। यहाँ तक कि एरिका को मेन परफ्यूम ज्यादा पसंद है वुमेन परफ्यूम से। एरिका ने खुद इस बात को कबूला है कि वो मेन परफ्यूम लगाना ज्यादा पसंद करती है। एरिका एक टैलेंटेड एक्ट्रेस होने के साथ साथ है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर। उनके यूट्यूब अकाउंट पर है 8 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स और वो मेकअप, स्किन केयर और ट्रैवलिंग से जुड़े वीडियोस करती है पोस्ट, और उनके ये वीडियोस उनके फैंस को आते हैं बेहद पसंद। एरिका एक दिल की साफ इंसान है, जो दूसरों को माफ करने पर बिलीव करती है। उन्हें लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप तभी सफल होता है अगर उसकी शुरुआत फ्रेंडशिप से हुई हो। एरिका ने कभी अपने प्यार का नाम तो पब्लिकली नहीं बताया, पर इतना जरूर बताया है कि उनका दिल भी एक बार बुरी तरह टूट चुका है, जिससे उन्होंने काफी कुछ सीख लिया है।
इन दिनों एरिका कर रही है स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा का रोल, और इस सीरियल में उनके ऑपोजिट अनुराग बने हैं पार्थ समथान। एरिका की पार्थ के साथ केमिस्ट्री लोगों को आ रही है बेहद पसंद। इतना ही नहीं, रियल लाइफ में भी दोनों कर रहे हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड। और तो और, आजकल टेलीटाउन में ये खबर आग की तरह फैल गई है कि पार्थ और एरिका कर रहे हैं डेट। पर हर बार की तरह इस बार भी एरिका ने खबरों पर नहीं किया कोई रिएक्ट। एरिका पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करती है। वो कहती है कि उन्हें लोगों के कमेंट्स और ट्रोल से फर्क पड़ता है, क्योंकि आखिरकार वो भी एक इंसान है। यही कारण है कि उन्हें स्पेशली मीडिया बिल्कुल नहीं पसंद। एरिका की इस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये बताएं कि आप और किस सेलिब्रिटी की कहानी सुनना चाहेंगे। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला।